नमस्कार। महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्रीक्षेत्र एवं श्रीमंदिर को नहीं विभिन्न अलौकिक कहानी इतिहास वृत्तांत को नहीं आमर स्वतंत्र कार्यक्रम को आपको स्वागत करुच्ची अविनाश। ओडिशार आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास रे श्री जगन्नाथ स्थान सर्वविदित। महाप्रभु कौन सी निर्दिष्ट धर्म मतवाद किंबा संप्रदायर संकीर्ण परिसर मध्य से केवे भी आबद्ध नुहत अर्थात शबर विश्वावसु आर्य इंद्रदुम्न पर्यंत बहु समय बौद्ध इंद्रभूति शैव शंकराचार्य पर्यंत एवं पांच रात्रिक रामानुजों ठारू श्रद्धा भक्तिवादी पर्यंत अर्थात अनेक समय महाप्रभुंकर लीला इमानंक उपरे अनेक समय आम देखा पाई एवं श्री जगन्नाथ एक अपराजेय जातिर आत्मा यही आम जिते बड़े उल्लेख करुंच आज प्रसंग कथा चारोटी वंश सीधासलख भाव में सामना को आसूँ अर्थात प्रथम जब देखा दशम शताब्दी रे जजाति वंश एकादश शताब्दी परवर्ती भाग रे बा मंदिर निर्माण गंग वंश गंगा नदी कूल से उत्पत्ति परवर्त समय तावर्त समय सूर्य वंश एवं वर्तमान जे राजा अच्छा ये राजा हूँ भोई वंश तेणु यही गोटे कथा सामना को आसूँ अर्थात ताक समय आमे ए जो वंश मध्यरु आज जो आलोचनार विषय रखिछन्ति अर्थात द्वितीय रामचंद्र देव विधर्मी काहीं होती से ही भोई वंशर राजा द्वितीय रामचंद्र देव तांक संपर्क जानिबा पूर्वरु श्री जगन्नाथंकर सहित सेवा पूजा एवं श्री जगन्नाथंकर सहित जड़ित थिबा गजपतिंकर इतिहास को मध्य अवलोकन करिवार आवश्यकता रहिछि। एभली स्थिति रे एक बड़ कथा हेउछि ताहला प्रतिटि ओडिया प्राण रे रहिछि श्री जगन्नाथ प्रति श्रद्धापूत स्थान से सर्वमंगल जगन्नाथ स्मरण कले ओडिया गृहस्थर सबु विपद आशंका दूरीभूत होइथिबार अनेक विश्वास मध्य रही किंतु एभली स्थिति रे आहुरी बहु कार्य रही अनेक समय अर्थात तार हला प्रत्येक ओडियांकर प्राण रे ओडिशार आध्यात्मिक सांस्कृतिक इतिहास रे श्री जगन्नाथंकर स्थान सर्वविदित कोनोसी निर्दिष्ट धर्म मतवाद किंबा संप्रदायर संकीर्ण परिसर मध्य श्री जगन्नाथ आबद्ध नुहंती किंबा नाहंती शबर विश्वावसु आर्य इंद्रदुम्न पर्यंत जो कथा आम उल्लेख करुंचंती पांच रात्रिकंक कथा रामानुजन ठारु श्री चैतन्य एवं शून्यवादी बलराम शिख धर्मगुरु नानक समस्त एठिकु आसछन्ती विभिन्न मतवाद और संप्रदाय श्री जगन्नाथंकर मैत्री साधना मध्यरे समन्वय आनी समन्वित होती श्री जगन्नाथ बौद्ध रूपे दंत गर्भित थिबा विश्वास रे बौद्ध माने जगन्नाथ को महाबौद्ध रूप में आराधना करती इस्लाम धर्मावलंबी शालबेग एवं जवन हरिदास प्रमुख भक्त सुद्धा बहु मर्मस्पर्शी जनाल रे श्री जगन्नाथंकर आराधना करिछंती। वस्तुत सार्वजनीन मानवर मैत्री साधनर इष्ट देव रूप से श्री जगन्नाथंकर परिकल्पना जेभली अद्वितीय सेभली विराट एवं उदार प्रतिटी ओडिया प्राण रे रहिछि श्री जगन्नाथंक प्रति श्रद्धापूत स्नान सर्वमंगल जगन्नाथ स्मरण कले ओडिया गृहस्थर सबु विपद आशंका दूरीभूत हुए। एही स्थिति रे आजिर ए जो चारोटी वंश कथा आम उल्लेख कलु सबु पीढ़ी रे से माने महाप्रभु श्री जगन्नाथंक सहित जड़ित सेवा पूजा सहित जड़ित विभिन्न समय से माने इतिहास मध्य निर्माण करिछंती अर्थात यही जाति एवं ए राष्ट्र कुल देवता होती श्री जगन्नाथ किंतु अनेक समय आमको आक्रमण देखा पड़ी महाप्रभु आक्रमण हो रजा मान समय महाप्रभु आक्रमण रु रक्षा पाइबापी अर्थात प्रभु को अनेक समय राजा मैंने स्थानातर कर गोटे बड़ कथा बड़ दिग जहाँ जो राजा मान समय सब अधिक आक्रमण भोई वंश समय राजत्व काल वर्तमान सुधा 25 जन भोई वंशर राजा शासन कले वर्तमान जी अच्छा दिव्य सिंह देव चतुर्थ यही वंशर जे नवम राजा थे अर्थात सेत बेलर जहाँ ना बा जहाँ कथा आम आज उल्लेख कर द्वितीय रामचंद्र देव से कहीं जवन कहगला कहीं पतित कहगला एवं कहीं रामचंद्र देव को से समय मंदिर को पूरे दिगला ना ये ओडिशार भूमि मनुष्यर उच्चाकांक्षा किंबा विजय लालसा चरितार्थ करने अभिप्रेत नुहे कहुए यह देवराज्य एक प्रांत रु अपर प्रांत पर्यंत यह निखिल मानवर तीर्थभूमि एक क्षेत्र में गवेषक माने मध्य मत देखर मत डॉक्टर प्रफुल्ल रथंकर मत शुणु कलापहाड़ आक्रमण पर जन सेनापति दनई विद्याधर तांकर पुआ रमाई राउतराय से टोटमीगढ़ प्रशासक भाव में निजुक्त होते ये रमाई राउतराय
कलापहाड़ आक्रमण जो मुकुंद तेलंगा मुकुंद देव मुकुंद हरिचंदन मृत्यु घटला कई कई कहते गोहिरा टिकरी ठारे एवं एपरिक संबलपुर मुझे देखी से गोटे अच्छी कबर ताक स्थानीय लोक मैंने मत कहे ये हूँ कलापहाड़ कबर जो रमाई राउतराय कथा कहती से रमाई राउतराय आसिले एवं से रामचंद्र देव ना रे राजा हेले और से ना पुरी रे रहिले ना बारबाटी रे रहिले से किंतु खोर्धा बरुणई पहाड़ तले जगन्नाथपुर नामक गोटे नूतन राजधानी करी से राजकार्य चलाइले जगन रामचंद्र देव जड़े अति विचक्षण एवं अति भक्त राजा थिले सीए से मुकुंद देवं पुओ दुईट पुओ थिले से दुईज जाक पुओ नाबालक थिले तेणु पाखापाखी से अति सुंदर भाव शासन कले विवाद अवश्य जाइथिला अकबर दरबार को अकबर मानसिंह को पठाइथिले चोडरबल को पठाइथिले एवं समाधान होलापर रामचंद्र देव को साड़ी देते ये ठिया हेले कलाराहाट मन पहाच पाखे ठिया होकरी भट्टमिश्र मानू सामंत मानूम अन्न मान पचारे आम एवं शंखुड़ी भोग करवा कि ना समस्ते कहले हाँ आम शंखुड़ी भोग करवा एवं रामचंद्र देव बंद हो जा अन्न महाप्रसाद को पुनः प्रचलित करते और द्वितीय इंद्रदुम्न अनेक कहते ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁ ବଳିଷ୍ଠ ରହିଛି କାହାଣୀ ଏବଂ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏତେ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ଭୋଇ ବଂଶର ଆହୁରି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଠ ଜଣ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯଯାତି ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ଏଇ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କାହିଁକି ବିଧର୍ମୀ ହେଲେ କାହିଁକି ପତିତ ହେଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଐତିହାସିକମାନେ ଏଭଳି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ କାହାଣୀ से कहानी यही रमेय राउतरा कथा से उल्लेख करुते आउ कही कही कहवा कथा ये से राजा हो न था जदि से गोपीनाथ देव को हत्या करा जाए न था एक षड्यंत्र गोपीनाथ देव हत्या हुए परवर्ती समय जो मैंने षड्यंत्र अर्थात से होती बक्सी वेणु भ्रमर बर बक्सी वेणु भ्रमर बर आशा था से खोर्धार सिंहासन दखल करेंगे किंतु से ही समय जे सहायता करते मारवाई अर्थात सेतेबेले गोपीनाथ देव को हत्या करने जे सहायता करते सी शहीद बेग शहीद बेग चिंता कले जो व्यक्ति निजर राजा को मारिपे षड्यंत्र जहाँ एभली भाव एक अभिषिक्त हो पारती लालसारे परवर्त समय से मुगल सम्राट बा मुगल जो मैंने अच्छा राजा मैंने से सहित सम्राट मैंने सहित से विश्वासघातकता करते यही स्थित आसिले रामचंद्र देव भोइ वंशर प्रतिष्ठा से आरंभ होला ये समय होई समय कथा अर्थात ये 1727 रु 1736 मध्य कार्यकाल भोइ वंशर नवम राजा थिले एवं रामचंद्र देव समय आहुरी बहु कथा तापर धीरे धीरे सामना को आसला रामचंद्र देव जेतेबेले राज सिंहासन अख्तियार कले से ही समय से पूरी जाजपुर किंबा कटक राजधानी कले ना से राजधानी कले सीधासलख भाव खोर्धार बरुणई पहाड़ तले बरुणई पहाड़ तले राजधानी कले यहीपाई कारण तुम पुरी को सहज है पिपिरी को मध्य सेतज होवर्त समय ये हूँ कथा बक्सी वेणु भ्रमर बर विश्वासघातकता करने गोपीनाथ देवं हत्या है कि समय परवर्त समय जितेबले आउ एक आक्रमण है अर्थात तकी खाँ समय से तकी खाँ बापा से रही कटक्र दायित्व से जितेबले सीधासलख भाव आक्रमण करते ये जो रामचंद्र देव थे खोर्धार राजा सहित विश्वासघातकता करने से पराजित होती मालुद फौजदार यही समय मध्य यू ना सामना को आसा विजुआल्स देखा ताको आम फुल स्क्रीन नवा एवं संपूर्ण तथ्य बवरणी उपस्थापन करवा यही समय मध्य किसी तथ्य आसला जे चिलिका कूल मालुकुद गाँव रू से बंदी हेले फौजदार लश्कर माने तांकु कैद करने को रणकौशल कले गोपीनाथ देवंकर टिकाली युद्ध को जिते बाहुले सहित सिंहासन को नहीं ता पूर्व रामचंद्र देव सहित सीधासलख भाव में विश्वासघातकता कले जहाँ कहुए से विश्वासघातकता करते बक्सी वेणु भ्रमर बर एवं परवर्त समय से बंदी होती चिलिका कूल मालकुदा गाँव रू अष्टादश शताब्दी रामचंद्र देव बारबाटी किल्लारे बंदी हेले सेतेबेले थांती नायब नाजिम जहां कहा जाए नायब नाजिम गादी बसते कटक
सुजा खाँ एवं तांकर पुओ तकी खाँ को से बसेले एवं नजीम सेतेबेले पळई गले अर्थात ओडिसा छाड़ी से अन्यत्र गले शासन करिबा पई किंतु श्रीक्षेत्र आउ श्रीमंदिर उपरे आक्रमण करिबार सेतेबेले मसुधा कला तकी खाँ कलिंगरु मुगल को हटाइबा को सब प्रकार रो किंतु प्रयास कले द्वितीय रामचंद्र देव बारबाटी दुर्ग रे बंदी थिबा रामचंद्र देव कर रिजा बेगम को सहित संपर्क आसे बातांगो सहित से संपर्क रे आसिले कारगार मध्य रे रिजांगो सहित संपर्क घनिष्ठ हला सुजा खांकर कन्या तथा तकी खांकर सेथिले भौणी एवं सेठी रामचंद्र देव कर विवाह हला अर्थात इस्लाम धर्म को से धर्मांतरित हेले एवं परवर्ती समय रे तांगो ना हिची हाफिज कादर बेग तांगो समस्ते हाफिज कादर बेग रूप रे जणा हले किंतु इतिहासकार माने मत दियंती महाप्रभु को रक्षा करिबा पई मुगल कबल महाप्रभु को रक्षा करिबा पई एभले एक पंथा से अपनैथिले जहाँ तकी खाँ कूटनीतिक चक्रव्यूह जुप काठ से छंदी होता नहीं चर्चा हुए से ही समय अर्थात ता परवर्ती समय पाटराणी जी थे ललिता महादेई और पुत्र जेनामणि भागीरथी कुमार राजा को छाड़ी चलीगले तकी खाँ कूटनीति परवर्ती समय से खोर्धा को कटक आउ मिसेबापाई चेष्टा करते कि से सफल हेले तकी खाँ आक्रमण रक्षा करने महाप्रभु को बारंबार स्थानातर कर इष्टदेव श्री जगन्नाथ को रक्षा करने राति दस्यु भि विग्रह को चिलिकार गर्भरे स्थान दे नुआ नुआ गर्भरे अर्थात नुआ नुआ स्थान से स्थान दे कि कथा आसला जोबले रामचंद्र देव आसुंच रामचंद्र देव को सीधा सड़क भाव से तकी खाँ आणु एवं ता परवर्ती समय स्थिति कौन रोचे किंतु कहीं से बहुत कले ता पचरे ऐतिहासिक मैंने मत दिंती शुणु नरेश दास श्री जगन्नाथ संस्कृति गवेषक कौन कहते यो भोई वंशर नवम राजा थे संपर्क यहाँ भितर यही भोई वंशर जे प्रथम राजा सी हूँ रामचंद्र देव से रामचंद्र देवों ठारु आरंभ कर गजपति दिव्य सिंह देव पर्यंत यो वंश परंपरा चली अव्याहत भाव चालू रही रामचंद्र देव होती भोई वंशर नवम राजा एवं से द्वितीय रामचंद्र देव नाम प्रसिद्ध ये द्वितीय रामचंद्र देव जोबले कटक अवस्थान करय नवाब सुजा खाँ कन्या बेबी रेजिया सहित प्रेम संपर्क गढ़ी उठला से नवाब सुजा खाँ विचार कले जदि यही राजा इस्लाम धर्म दीक्षित हमें मुसलमान हो जाती तेबे यही प्रजावत्सल राजा तांकर प्रजा माने मध्य तांकु अनुसरण करिबे सेथिपाई से एहाकु अनुमति दे देले जहाँ फल कि बेबी रेजियांक सहित गजपति रामचंद्र देवंकर प्रेम संपर्क बढ़ी उठिला एवं जहाँ फल तांकर विवाह मध्य हला एवं विवाह सारिबा परे तांकर नाम बदली गला तांकर नाम हला हाजिब कादर बेग गजपति रामचंद्र देवंकर नाम बदली गला हाजिब कादर बेग से जतेबले यही रूप रूपांतरित हो गले किंतु से थिले जने विशिष्ट हिंदू राजा श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर बड़ भक्त थिले से जतेबले से विवाह करिगले सेतेबले से आसिले श्रीमंदिर को महाप्रभु को दर्शन करिबा पर किंतु सेतेबले मुक्ति मंडप पंडित वर्ग तांकु अनुमति दे नथिले से जेहेतु इस्लाम धर्म दीक्षित हो जाइए से तांकु मंदिर मध्य प्रवेश करने अनुमति देले ना जहाँफल बहु दुखरे भांगी पड़िले द्वितीय रामचंद्र देव एवं से विचार कले हे प्रभु मु कौन कली कौन पाई मत आपण दर्शन रु वंचित करागला से दुखरे एते भांगी पड़िले जहाँफल से दुखाभिभूत होकर बहु कविता रचना कर महाप्रभु को प्रार्थना कर जितेबले द्वितीय रामचंद्र देव इस्लाम धर्म ग्रहण कले एवं सेतेबले से रिजिया को विवाह करुछंती ता परवर्ती स्थिति रे तांको मंदिर को प्रवेश करागला नाही विश्वनाथ वाजपेयी पंडित महासभा रे तांको पई जुक्ति करितिबा नै सुरेंद्र महांती नीलस्थल रे उल्लेख करुछंती एवं ता परवर्ती समय रे जो सान परीक्षा विष्णु पश्चिम कबाट महापात्र जो से उल्लेख करुछंती तांको सहित जितेबले से कथाबार्ता करुछंती अर्थात बलदेव तर्कालंकार एवं हरेकृष्णपुर शासन रे जे थिले से मध्य घोर विरोध कले पंडित महासभा रे निष्पत्ति हला
एवं ब्राह्मण माने जहाँ थिले सेते बेले जो शासनी ब्राह्मण माने सेमाने कहिले द्वितीय रामचंद्र देव विधर्मी तांको मिलेछ राजा बोली मध्य कहगला अर्थात रामचंद्र देव जेहेतु जे मुसलमान कन्या को विवाह करिछंती से आउ पुनर्बार फेरी पारे ना श्रीमंदिर को दर्शन करें दियं श्रीमंदिर मध्य ये सेत ओडिया जातिर एक एभली समय जहाक इतिहास सबुदिन मन रखी एवं ये हूँ अष्टादश शताब्दी कथा से ही समय मध्य लालबाग्रे व्यूह रचना करते बलर जे राजा थे अर्थात जहाँ को कहुला अर्थात राजा आक्रमण नहीं जे मसुदा करुले तकी खाँ तकी खाँ जे सबुठ विश्वस्त थे अमीन चांद से कहानी परवर्ती समय आमे आगो को आलोचना करिबा किभली भावरे रथीपुर गड़ डेइले पुरुषोत्तम श्रीक्षेत्र एवं केमिति भावरे रथयात्रा पाई सबु सजबाज होतिला अमीन चांद मध्य सेठी के जिबार थिला एवं अनुमति मध्य मिलिला रजा को सेठी छेरा पहरा करिबा पाई किंतु काहीकि ता परवर्ती समय महाप्रभु को चिलिका को स्थानांतरित करागला किभली भावरे तकी खाँ जानिबा को पाइला अर्थात जो उद्देश्य नहीं एभली भावरे एक कूटनैतिक षड्यंत्र से रचिथिला द्वितीय रामचंद्र देव को परिवर्तन करिबा पाई तांकर धर्म को ता परवर्ती समय से आशा करिथिला जे रजांक सहित प्रजा माने मध्ये इस्लाम धर्म ग्रहण करिबे एवं कटक सहित खोर्धार मिश्रण हबो किंतु सेभळी किछि हेला नाही राजा मध्ये खूब चालाक थिले एवं ता परवर्ती स्थिति रे से मध्ये जगन्नाथंकर सुरक्षा पाई सबुठु अधिक प्रयास करिछन्ति कारण तार किछि दशंधि पूर्वरु मुगल मानंकर सेभळी बड़ आक्रमण नथिला अर्थात कला पहाड़ पंचदश ख्रीष्टाब्दी आक्रमण परे परे कला पहाड़ आक्रमण परे परे सप्तदश एवं अष्टादश शताब्दी ये आक्रमण थिला तकी खाँर एवं सेते बेलर से जो धौली को जीवा एवं ता पूर्वरु धौली गड़ को विजय करिबा पूर्वरु से माने शिशुपाल गड़ को जीवा सबु किछि मध्य सुरेंद्र महांती एवं विशिष्ट विभिन्न ऐतिहासिक माने उल्लेख करुछन् किंतु सेही समय रे कोन हला रामचंद्र देव को सहित अर्थात रेजिया को से किभली भाव रे विवाह कले कोन हेतिला कटक रो बारबाटी रो जो किल्ला थिला बा दुर्ग जहाँ कहा जाऊँ सेठी कौन हेतिला से संपर्क में गवेषिका भाग्यलिपि मल्लता प्रतिक्रिया प्रकाश कर द्वितीय रामचंद्र देव जो विधर्मी हवा कथा एक कथा प्रायतः समस्ते जानती ये समस्ते जानती जे सिंहद्वार सम्मुखरे जो अरुणस्तंभ रही अरुणस्तंभ सम्मुखरे जो श्रीमंदिर भितर को जीवा बेलू जो डाहाण पटे पतित पावन मूर्ति आम देखे से पतित पावन मूर्ति सहित द्वितीय रामचंद्र देवंकर विधर्मी हबार प्रसंग जोड़ी ही रही एथिपाई जोड़ी ही रही द्वितीय रामचंद्र देव जेतेबेले जानिले बा जानिपारे जे श्रीजगन्नाथंकर स्थिति संकटापन्न एवं समस्या अच्छा घटना अति जटिल ही पड़ुचे सेतेबेले से तकी खाँकर भौणी रेजिया सुल्ताना को विवाह करछंती केई कहंती जे जो रेजिया सुल्ताना को द्वितीय रामचंद्र देव विवाह कले से बाध्य बाधकता रे तांकर जो धर्म संकट रे पड़ी विवाह करबा कथा कहंती कारण तांकर पाखरे आउ किछि चारा नथिला तांकु श्रीजगन्नाथंकु सुरक्षा देबा तांकर प्रधान कर्तव्य थिला तेणु से विवाह करिया को बाध्य होइथिले किंतु आउ केई कहते से रेजिया सुल्ताना को मध्य प्रेम विवाह करते तेज से जहाँ भी हो जो भली भाव विवाह करूँ से जड़े विधर्मी नारी को बहुत ही करते से धर्म नष्ट हो जाता और जो आउ मंदिर भितर को प्रवेश करने अनुमति दि जाए ना जेहेतु मंदिर भितर को अनुमति ना प्रवेश करने तेणु काले कहुए जहाँ लोक मैंने कहते लोकतुंड कहुए किंबदंती कहे जे जो प्रथम मुझक कहूली जो प्रथमे पतित पावन मूर्ति अरुणस्तंभ सम्मुखर रही काले श्री से रामचंद्र देवंकर जो मंदिर भितर को प्रवेश करी जो नथिला निषेध हो जाता से पतित पावन मूर्ति को सेठी संस्थापित करा किंतु आमर जने विशेषज्ञ अच्छा बहुत बड़ गवेषक से ना डॉक्टर गगनेन्द्रनाथ दास से जो गवेषणात्मक निबंधरे लिखिंट जे ना एक कथा ठीक नुहे कारण जो समय रे द्वितीय रामचंद्र देव रेजिया सुल्ताना को विवाह कले धर्म नष्ट कहगला से समय अनेक पूर्वर बहु पूर्वर से पतित पावन मूर्ति जो जगार एवं आम भक्त मैने दर्शक मैंने देखुं अरुणस्तंभ निकट में ठीक सिंह द्वारा परे परे से मूर्ति से घटनार बहु पूर्वर घटी जाइए से संस्थापित होती समय अर्थात जितेबले तकी खाँ एभली एक आक्रमण कलिंग प्रदेश उपरे एवं तकी खाँ काहीं आक्रमण कला तकी खाँ जानवाक पाई एक कथित अच्छी तकी खाँ को
से अर्थात परवर्ती समय रे जो लालसा रही लुंठन रतल ता पूर्व जो सम्राट माने थिले कलिंगर वीर सम्राट माने थिले सूर्यवंशर से माने एते धन सम्पत्ति रखी थिले जहाँ प्रचार प्रसार बाहर होता एवं ताकु नवापाई सेतेबेले से चेष्टा करिछंती किंतु एपटे राजा अर्थात द्वितीय रामचंद्र देव विभिन्न स्थान रे बुलिछंती सेतिकी बेले ए युक्तिटी आसे सामना को मेघ परसिला टपर टपर केशुर माइला गजा केऊ राइजरे रहिले मोर जा तेलेंगी बाई द बजा ए उक्ति से अष्टादश ख्रीष्टाब्द रे बा शताब्दी रे कहा जाए जे जेतेबेले राजा पुरी को गलेनी एवं खोर्धारे तांकर सिंह से राजधानी स्थापन करुछंती परवर्ती समय से भिन्न भिन्न स्थान को जाउछंती गुप्त रे आसी पुरीर श्रीक्षेत्र स्थिति संपर्क से अनुध्यान करुछंती मुख्य उद्देश्य रहुतिला जे तकी खाँर आक्रमण को भंडूर करिबा तकी खाँर आक्रमण महाप्रभु को बंचेबा कारण ता पूर्वरु से युद्ध समय रे से बंदी होइछंती बा पराजित होइथिले ता परवर्ती समय स्थिति कौन हला किभली भाव में महाप्रभु को कौ स्थान को लेकिन से गले कहीं अर्थात आज जो आम पतित पावन को देखुचु से कहीं पतित पावन निर्माण करागला बासिटी स्थापना करागला तार मध्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही द्वितीय रामचंद्र देव को ता परवर्ती समय जो पुनश्च से फेरी आसी तकी खाँ पुणि थे आक्रमण मसुधा करुछंती से ही समय जणई देर जे रेजिया सुल्ताना जे पत्नी बा बेगम तेजी कह कह से जणई दे तकी खाँ भाव में आक्रमण नहीं श्री जगन्नाथ क्या दायित्व देती ना अमीन चांद को सेतबेले रथयात्रार समय एवं रथयात्रापाई पंडित महासभा निष्पत्ति होई जे छेरा पहरा राजा करिबे एवं से ही समय रे अमीन चांद चर्चा चलती जे अमीन चांद से जापारती परवर्ती समय रे आक्रमण नहीं मसुधा संपर्क से जानवाक पाइले जेमादेई कथा आसे यही आहुरी बहु लोकंकर कथा आसुची किभली भाव रे महाप्रभु को सेठ से माने स्थानांतर करिछंती महाप्रभु को सुरक्षित भाव रे रखुछंती इठी मध्य रामचंद्र देव उल्लेख करिछंती महाप्रभु को कहिछंती अविनाश तु तत्विधि जेन सर्वमीदम ततम विनाशम व्यय शास्य न कश्चित कर्तृमोदित अर्थात अग्नि मध्य दग्ध करि परिबनी वायु मध्य दग्ध करि परिबनी तेणु महाप्रभुंकर जो कथाटी को से उल्लेख करुछंती परवर्ती समय चिलिका बालुगा पेंठु को नि परवर्ती समय ब्रह्मपुर निकटस्थ स्थान को महाप्रभु को सेठी रखा जाऊँ जो माने पूर्वर अर्थात बक्सी वेणु भ्रमरबर हूँ बा जो माने विश्वासघातकता करते से कबल कि रक्षा पाइबे प्रभु को रक्षा करा द्वितीय रामचंद्र देव प्रचेषा कर तकी खाँ आक्रमण कर सत किंतु से पाईना महाप्रभु को धन सम्पद प्रचुर मात्रा रे से लूट करुछंती किंतु द्वितीय रामचंद्र देव को मध्य मंदिर भितर को प्रवेश रो अनुमति मिलूना ये आसे से कथा अर्थात जेतेबेले आमे जगन्नाथंकर बा ए जातिर कथा आमे उल्लेख करुछंती अगाढ़ जगन्नाथ प्रेम एवं भाव भक्तिर पूजक मध्य तांको कहा जाउछि द्वितीय रामचंद्र देवंकर जो खोर्धा सिंहासन आरोह एवं तांको परवर्ती स्थिति संपर्क रे मध्य से उल्लेख करुछंती एवं एठी आसे पतित पावन कथा जेतेबेले तांको कहा जाए जे जेतेबेले मंदिर को तांकु प्रवेश रो निष्पत्ति न मिलिला बा प्रवेश कराई दिया गला नाही कारण विश्वनाथ वाजपेयी बहु जुक्ति कले किंतु पंडित महासभा एवं बलदेव तर्कालंकार सहित बहु व्यक्ति जहाँ सान परीक्षा विष्णु पश्चिम कबाट महापात्र कहुछंती रामचंद्र देव को सुरेन्द्र महंत को उल्लेख करुछंती ता परवर्ती समय पतित पावन हला काहेकि ना जगन्नाथ सर्वाधार सर्वहेतुक सर्वमय से पुणी पतित पावन 1733 रे निर्माण हला पतित पावन सिंहद्वार बा श्रीमंदिर जो गुमुट रे निर्माण कले रामचंद्र देव पतित पावन को विधर्मी राजा रामचंद्र देव को सेतेबेले मंदिर मना मुक्तिमंडप पंडित महासभा एवं ब्राह्मण माने राजा को विरोध कले घोर विरोध परे सबुदिन गुमुरी गुमुरी महाप्रभु आगे निजर जनाण एवं निजर समस्त कथा बखाणिले रामचंद्र देव एवं पतित दर्शन पाई पतित पावन स्थापना होता ऐतिहासिक मान मत दिखती महाप्रभु परम भक्त थिबा सत्वे विधर्मी होइथिबारु एभले एक बड़ कटकणा लागिला एवं तमाम जीवन से सेवा त्याग निष्ठा बलिदान एवं समर्पण भावधारा को नहीं तांकर कार्यकाल से समाप्त कले एठी मध्य गवेषक माने मत दियंती पतित पावन को नहीं आज आम जहाँ को देखुचंती श्रीमंदिर सम्मुखरे गुमुट मध्यरे तांकर इतिहास पतित पावन इतिहास संपर्क में गवेषक नरेश दास का मत शुणु परिशेष विचार कले मुझे मंदिर भितर को जापरि
किंतु मंदिर बाहर थी मु प्रभु को दर्शन करी से तो भक्त वत्सल से मोर कथा निश्चित भाव बुझे से निजी को पतित मन कर श्री जगन्नाथंकर पतित पावन मूर्ति से सिंहद्वार गुमुटरे प्रतिष्ठा कले एवं सही से दर्शन कले महाप्रभु को 1733 ख्रीष्टाब्दे पतित पावन मूर्ति श्रीमंदिर गुमुटरे निर्मित हला एवं रामचंद्र देव से ही पतित पावन मूर्ति को दर्शन करी निजुक पतित मन करी तांको पाद तले लोटी जाइथिले जेते बले मुसलमान माने आक्रमण करूथिले तांको समय रे तांकर समय होउछि 1727 रु 1736 एतिक मसिया भितरे जेते बेले आक्रमण करूथिले कौनसी हिंदू मंदिर को सेते बेले से तार तीव्र विरोध करूथिले एवं तांको जोगु हिंदू मंदिर को प्रवेश करिबा पई मुसलमान माने साहस भी करि पर नथिले तेणु द्वितीय रामचंद्र देव यद्यपि विधर्मी हो जाते कई कई कहते से वास्तविक इस्लाम धर्म में दीक्षित होना कि मादलापांजी कहूँ से विधर्म होते तेणु जहाँ भी हो से जड़े प्रख्यात राजा थिले एवं श्री जगन्नाथ परम भक्त थिले एवं मुसलमान को कबल हिंदू मंदिर को सुरक्षा प्रदान करने से आगभर होते रामचंद्र देवंकर ये थिला अलौकिकता ये थिला तंकर इतिहास बा ये थिला तंकर अतीत भूवंशर नवम राजा 9 वर्षर शासन काल मध्यरे तंकर ये जो विधर्मी हबा विधर्मी से कहाँ पाई हुई थे ताकुनी मध्य अनेक प्रश्न उठी से महाप्रभु को पाई विधर्मी हबा नहीं महाप्रभु को सुरक्षा पाई विधर्मी हबा नहीं किछि ऐतिहासिक किछि गवेषक मत देउथिबा बेले तंकर आउ किछि केही केही मत दियंती मध्य से समय रे तकी खां को परास्त करबा पई बाता कूटनैतिक चाल रे से बड़े कूटना कूटी एभले एक पदक्षेप ग्रहण करते जहाँ भी होना कहीं इतिहासकार मैंने गवेषक मैंने भिन्न भिन्न समय रे मत भिन्न भिन्न देखते किंतु ये द्वितीय रामचंद्र देवकर मादलापांजी इतिहास उल्लेख रही अर्थात अनेक समय गजपति परंपरा गत एपिसोड में आम जहाँ उल्लेख करूँ महाप्रभु सुरक्षा महाप्रभुंकर सेवा महाप्रभुंकर भक्ति एवं ओडिया जातिर अस्मितार एवं ओडियार परिचय कूल इष्ट देव महाप्रभु श्री जगन्नाथं सुरक्षार समर्पण भावधारा को नहीं आज भी प्रस्फुटित उज्ज्वलित एवं आज भी जाजल्यमान भाव में परिगणित होती जो चारोटी वंशर भोई वंशरे राजा थे कार्यकलाप यहीकर किसी दृष्टांत जहाँ आम आज परेषण कले आज समय हो जाए कार्यक्रम को यही रखा आपण सहित पुणि थे देखा ठीक यही समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्रीमंदिर श्रीक्षेत्र आउ किसी अलौकिक एवं अतीत इतिहास घटनावली को नहीं आउ एक नूतन अध्याय विदाय दिंतु नमस्कार जय जगन्नाथ।